एल्केन का लिखोड़ा प्रिपरेशन। उसमें सबसे पहला हेडिंग लिखोगे वो रिएक्शन, कल भी थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया था। Yes, क्या होगा हम लोगों के पास बेटा, आर एक्स दो मोल अजय ना, टू मोल्स ऑफ एनएच रिएक्शन कर पाएंगे। क्या बनता है, आर सिंगल बॉन्ड आर प्लस टू मोल्स ऑफ एनएच निकल जाता है। समझा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ये सर नो सर, तुम लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे? यहाँ पे जो एक्स है वो क्या हो सकते हैं बेटा, एक्स कैन बी क्लोरीन, इट कैन बी ब्रोमीन, इट कैन बी आयोडीन, है ना। फ्लोरीन का भी ये रिएक्शन नहीं देता क्योंकि फ्लोरीन का छोटा साइज होने की वजह से बॉन्ड कैसा होता है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है ना। समझा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्लोरीन का बॉन्ड कैसा होता है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए फ्लोरीन कभी भी ये रिएक्शन नहीं देगा। तो हम लोग कौन कौन दे सकते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। समझ आ रहे कि नहीं आ रहे? बेटा जनरल मैकेनिज्म रिएक्शन का क्या होता है कि सबसे पहले स्टेप में एनए जो होगा वो क्या करता है बेटा, एनए प्लस में कन्वर्ट होता है और एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। समझ आ रहे कि नहीं आ रहा? ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, इस पे रिएक्शन करता है आर एच से, इस पे अटैक, ये वाला बॉन्ड ट्रांसफिट करेगा इधर, तो क्या बनता है बेटा, आर रेडिकल प्लस क्या निकल जाता है, एक्स माइनस। समझा रहे कि नहीं आ रहा? एक्स माइनस और एन ए मिलकर क्या बना लेगा बेटा, एन एक्स। ये जो आर रेडिकल होगा वो दूसरा मोल ऑफ आर एक्स होगा, उस पर जाके अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड कहां शिफ्ट करेगा इसकी तरफ, तो क्या बनेगा बेटा, आर सिंगल बॉन्ड आर प्लस फिर से निकल के एक्स माइनस। ये प्रोडक्ट है ना हम लोगों के पास। समझा रहे कि नहीं आ रहा? यहां तक क्लियर है? यस सर। बेटा सबसे पहली बात, इस मेथड से हम लोग इवन नंबर ऑफ, हम लोग बना सकते हैं बेटा एल्केन विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या बनता है बेटा, एल्केन विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, इस मेथड से प्रोड्यूस किया जा सकता है। क्या इस मेथड से ये बना सकते हैं हम लोग तीन कार्बन का एल्केन? क्या वुड रिएक्शन करा के तीन कार्बन का एल्केन बन सकता है? नहीं बन सकता। मान के चलो कि आप लोगों के पास क्या एक कार्बन का बना सकते हैं? नहीं बना सकते। बाय दिस मेथड हम लोग बेटा मीथेन कैसे भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, मीथेन कैन नेवर बी प्रोड्यूस। मीथेन क्या होता है, सी एच फोर, कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय दिस मेथड। समझा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? इस मेथड से हम लोग क्या नहीं बना सकते बेटा, मीथेन नहीं बना सकते, ठीक है ना। एक कार्बन तो बनेगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, इवन नंबर ऑफ एल्केन बना सकते हैं, एल्केन विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम बना सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं तुम लोगों से पूछूं कि मैं कुछ बेटा छोटा सा एक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रिपेयर्ड बाय वुड रिएक्शन, इनमें से कौन सा वाला बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता, तुम्हें बता, ठीक है। पहला लिखो CH4, लिखते जाओ CH3, CH2, CH3, CH3, CH2, CH2, CH3, मना लिया सब? सारे के सारे
ऊपर जो लिखा था वो लिख लिया। में ये वेव क्या है? सेवंथ में बेटा दो कार्बन बीच में दो। अच्छा ठीक है। बताओ जल्दी से बना सकते हैं पहला वाला? नहीं कौन ऐसे बोल रहा था? दस वाला बना लेना जो। ये नहीं बना सकते ना बेटा? नहीं ये ना सकते। दो तो बना सकते हैं ना? यस सर। ये नहीं बना सकते? नो सर। ये यस। ये बना सकते हैं? यस। क्या समस्या? एक ऐसा रिंग तुम्हारे पास में होगा, दोनों को आपस में जोड़ नहीं सकते क्या? ये बना सकते हैं क्या? नो। पीछे वाला या एक ही कार्बन है इसलिए दो होते तो बन जाएगा। आठवां वाला यस बन जाएगा। छह है कि नहीं? इसको बनाने के लिए हमें क्या कराना पड़ेगा? इंट्रा मॉलिकुलर रूल्स। क्या कराना पड़ेगा? इंट्रा मॉलिकुलर गुड रिएक्शन। क्या होते बताऊंगा मैं अभी। छह है ना, बन जाएगा आराम से। ठीक है सर, ये बनेगा। ये वाला यस। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर है सर? इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में क्या बनता है बेटा? फ्री रेडिकल बनता है। यस सर नो सर। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? देखो रेट का ऑर्डर क्या होगा जल्दी से बताओ। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री देन फाइनली यस सर रेडिकल। यस सर नो सर। रेडिकल कौन ज्यादा स्टेबल होता है? 3 डिग्री और ज्यादा स्थिर होता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत है क्या? नो सर। हो गया सब कुछ? क्लियर है? कोई समस्या तो नहीं? नो सर। छोटा सा नहीं लिखो, इंट्रा मॉलिकुलर वुड रिएक्शन। इंट्रा मॉलिकुलर वुड। देखो इंट्रा मॉलिकुलर वुड्स तुम लोग कैसे पहचानोगे कब होगा? बताओ कैसे पहचानोगे? तो क्या होगा, हम लोगों के पास में कोई भी एक कंपाउंड, उसमें क्या लगे होंगे? दो हाइड्रोजन ग्रुप लगे होंगे। कितने लगे होंगे? दो एक्स लगे होंगे। पंद्रह रहे कि नहीं आ रहे? इसमें क्या होता है, तीन से लेके छह मेंबर तक का हम लोग साइक्लिक रिंग बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? 3 to 6 मेंबर साइक्लिक रिंग इज फॉर्म। रिंग इज इंट्रा मॉलिकुलर वुड। जैसे तुम लोग खुद से सोच के देखो, कितना हो गया? छह हो गया। मतलब यहाँ पे सीएल लगा हुआ है, यहाँ पे सीएल लगा हुआ है। तुम लोगों ने इसका रिएक्शन करवाया बेटा किसके प्रेजेंस में? Na के प्रेजेंस में तुम लोगों ने इसको हीट किया हो तो ड्राई कर देते। ठीक है, तो रिएक्शन में होता क्या है? वही मैकेनिज्म में Na क्या करेगा? Na प्लस में जाएगा और क्या कर देगा बेटा? एक इलेक्ट्रॉन देगा। आया ना? यस सर। वो इलेक्ट्रॉन क्या करता था? किसी करंट का अटैक करता था, ये वाला बॉन्ड टूटेगा इधर। तो यहाँ पे क्या बनेगा? रेडिकल बनेगा, बनेगा ना। अब ये रेडिकल बना तो ये रेडिकल क्या कर देगा बेटा? अपने इस करंट पे अटैक कर देगा। अपने इस करंट पे अटैक करके क्या निकाल देगा? सीएल। तो कितने एम्बर का रिंग बना? तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा बेटा? 6 एम्बर का रिंग प्लस का निकल जाएगा 2 मोल्स ऑफ NaCl। यस सर नो सर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? है ना। तो इसी के लोग क्या बोलते हैं? इंट्रा मॉलिकुलर वुड्स बोलते हैं। अगर दो हैलोजन लगा हो बनना रहे कि नहीं यार, और तीन से छह मेंबर के रिंग बनने का पॉसिबिलिटी हो, तुम लोग क्या करवा देंगे उसमें? इंट्रा मॉलिकुलर वुड्स रिएक्शन करा दे। क्लियर हुआ कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी कर दे।
इसमें अरे इनका ट्यूबलाइट लगाए लाके क्लियर है सर। क्वेश्चन देखो, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। Find the product of the following. लिखो सर, find the product of the following reaction. पहला लिखो, तो बातें मत करो, लिख लो। बातें करते रहोगे फिर बोलोगे सर, दिखा दो एक बार। सर ये 8 में नीचे एल आई लिखा है। ना एल आई क्यों लिखेंगे, सीएल सीएल लिखा हुआ है। बताओ इसमें क्या होगा, पहले वाले से करें स्टार्ट सर। यस सर, फर्स्ट आंसर बताओ जल्दी से, क्या बनेगा, जो करना क्या है तुम लोगों को, CH3 बनेगा। देखो Na क्या करेगा, इसको निकाल कर रेडिकल बनाएगा ना, रेडिकल बनेगा तो क्या करेगा, डाइमर करेगा। यस सर नो सर, क्यों नहीं करेंगे, जब रेडिकल का प्रॉपर्टी तुम्हें पता है, रेडिकल कैसे वो काम करते पता है ना तुम लोगों को। मुझे सीधे सीधे ये बताओ कि Na करता क्या है, सोडियम यहाँ पे काम क्या कर रहा है, Cl को निकाल के रेडिकल बनाने का, या कोई भी हैलोजन को निकाल के रेडिकल बनाने का।
तुम्हारा काम क्या होगा, किसी भी हेलोजन को निकालो, पहले रेडिकल बनाओ, तो रेडिकल तुम लोगों ने बनाया, उसको उसको कैसे वो रिएक्शन करेगा उसको करना, पीछे जितने भी रिएक्शन कराया उनमें से उसी के बेस पे, ठीक है। याद है अगर वो इसको हटाओगे बेटा, ये रेडिकल बनेगा, क्या करेगा, डाइमर करेगा ना, और कुछ पॉसिबल है क्या, और कोई पॉसिबल नहीं है ना। देखो यहाँ पे आने क्या करेगा, ये रेडिकल बनाएगा, ये भी जाएगा, ये भी रेडिकल, तो अलग अलग रेडिकल बन रहा है, यस सर नो सर। अब इन दोनों को मिला के कितना प्रोडक्ट बन सकता है, मैं बोलूं तुम लोगों से, तुम्हारे पास एक डब्बा, उसमें कौन रेडिकल, CH3 रेडिकल और CH3 CH2 रेडिकल, प्रोडक्ट क्या होगा, जितनी कितना प्रोडक्ट बनेगा, क्या प्रोडक्ट होगा, जल्दी से बताओ। सलोनी तुमने तो पढ़ लिया, ये नहीं पढ़ा है, C3H सलोनी, अभी लाइट नहीं आई तुम्हारे घर पे, सर लाइट तो आ रही थी, आ रही थी, बताओ तो क्या बनेगा, तीनों प्रोडक्ट मिलने का पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे तीनों ही प्रोडक्ट आप लिखोगे, कौन कौन मिलेगा बेटा, एक मिलेगा CH3 कुछ भी मेजर माइनर इसमें नहीं होता, एक होगा CH3 CH2 CH3, एक होगा CH3 CH2 CH2, सब मिलेंगे। ठीक है सर, क्लियर है क्या, देखो तुम्हारे दिमाग में तो नहीं आ रहा सर, वर्ड में तो ये भी बन गया, तुम कह रहे हो तीन का तो बनता ही नहीं है, बाई डिफॉल्ट जब वर्ड रिएक्शन आपको दिया जाएगा तो आप लोग क्या कंसिडर करोगे कि आपने सिंगल रिएक्टेंट लेके काम किया, समझा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछ जाता है कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा वर्ड्स में, कौन सा नहीं बनेगा, तो बाई डिफॉल्ट आप लोग अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या मानोगे कि सिंगल रिएक्टेंट लेके काम किया गया है, दो अलग अलग हम लोग रिएक्टेंट लेके, दो अलग अलग एल्काइल लेके काम नहीं किए, अगर दो अलग अलग एल्काइल लेके काम करेंगे तो मीथेन को छोड़ के कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये वुड रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं हुआ, वी गेट अ मिक्सचर ऑफ दिस ऑल, समझा रहे, मिक्सचर हम लोगों को मिलता है, मिक्सर्स को सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग नहीं बोलते कि ये प्रोडक्ट हम लोगों को सिर्फ एक प्रोडक्ट मिला, हम लोगों को क्या प्रोडक्ट हुआ, इनका मिक्सर मिला ना, और इस मिक्सर को सेपरेट करना कैसा होगा, थोड़ा मुश्किल होगा, समझा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं बोलते कि ये वाला प्रोडक्ट हम लोगों को मिल जाएगा सेपरेट, क्लियर, ठीक है। तो हम लोग बाई डिफॉल्ट यही मान के चलेंगे जब कभी क्वेश्चन आएगा कि सिंगल क्या लिए गए, सिंगल रिएक्टेंट लेके काम किया गया, इसमें क्या होगा, इसको हटाओगे, ये रेडिकल बनेगा, ये रेडिकल बनेगा तो क्या करेगा, डाइमराइज ही कर सकता है, इसमें क्या होगा, इसको हटाओगे, यहाँ रेडिकल आएगा, इसको हटाओगे, यहाँ रेडिकल आएगा, क्या होगा, अब क्या होगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर एडिशन, समझा रहा है कि नहीं आ रहा, क्या होगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर एडिशन, इसमें क्या होगा बेटा, इस हाई को हटाओगे यार रेडिकल, आप क्या करोगे, डबल बॉन्ड को तोड़ोगे, इधर उधर एक रेडिकल इधर आएगा, एक रेडिकल इधर, पहले क्या करोगे, छह मेंबर का रिंग बनाओगे, ऊपर एक रेडिकल आएगा, फिर से रेडिकल आया तो क्या कराएंगे इसको, फिर से एक रेडिकल आया तो इसको क्या कराएंगे बेटा, इसको डाइमराइज करा देंगे, क्लियर है क्या, ये पहली बार पहले भी लिख चुके ना इसको, अगर ऐसा रेडिकल दिखेगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, करवाया कि नहीं करवाया, करवाया, yes, क्लियर है, yes, तो सिर्फ यही रिएक्शन नहीं, आने वाले दो तीन रिएक्शन इसी कॉन्सेप्ट पर चलेंगे, जिसको रेडिकल के रिएक्शन क्लियर है वो सारे कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस कर लेगा, डीकार्बोक्सिलेशन भी कर लेगा, सब एक ही तरीके से रिएक्शन होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन जब अगर तुम रेडिकल बनाना जानते हो तो उसके आगे कोई डिफरेंस नहीं, रेडिकल बनाने तक का थोड़ा सा डिफरेंस है, उसका कोई डिफरेंस नहीं, सेम प्रोडक्ट देंगे, इसमें क्या होगा बेटा, इसको हटाओगे एक रेडिकल, इसको हटाओगे रेडिकल तो क्या डाइमराइज करा दो,
यस सर मत बोला करो सब चीज में, यहाँ बनेगा एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। पड़ोसी कार्बन पे दोनों पे एडिशन। यस सर नो सर, दो मेंबर का रिंग बना दें। दो मेंबर का रिंग बनता है क्या? सलोनी बना रही है। मैंने बनाया था। इधर एक मेंबर इधर, एक कार्बन इधर, एक इधर, देखो सर्कल से बना देंगे। सर मैंने नहीं बनाई। मैंने बनाई नहीं बनाई। सुनो सर, दो मेंबर का रिंग नहीं बनाते है ना। देखो इसको तोड़ेंगे ये रेडिकल, इसको तोड़ेंगे रेडिकल, अब क्या होगा? अब यहाँ बनेगा तीन मेंबर का रिंग, ठीक है सर? थोड़ा रिवाइज करके ना वुड्स को लेके और भी थोड़ा बात करेंगे। वुड्स रिएक्शन में वुड्स फिटिंग भी आएगा, फिटिंग भी आएगा, और भी इसके ऐसे छोटे मोटे रिएक्शन आएंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थोड़ा ठीक से पढ़ना है इनको, रिवाइज करना प्रॉपर तरीके से, ऑर्गेनिक आसानी से समझ में आएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर।